जी नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2023 की भर्ती निकली हुई है जो उसके बारे में। यहाँ पे लेटेस्ट भर्ती है सुपरवाइजर सहायक सहायिका आशा सहयोगिनी, इसके अलावा डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे नीचे लिंक दे रखा पीडीएफ, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे 12th क्लास अगर आपने पास कर रखा है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। सभी जिलों में आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और सभी स्टेट के यहाँ पे ये फॉर्म मंगवाए गए, यानी कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, महिला हो या पुरुष हो, आप आवेदन कर सकते। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2023 के ICDS फॉर्म के। यहाँ पे जो डिटेल्स है वो नीचे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने अवेलेबल सून जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे फॉर्म निकला हुआ नहीं है, निकलने वाले। इसके अलावा क्लिक हेयर वाली जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ ही साथ डाउनलोड कर सकते हो, PDF जो भी है अभी आई हुई लेटेस्ट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे पूरा तमिल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ICDS, इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, UP, साथ ही साथ यहाँ पे हरियाणा, ये सारे स्टेट्स में अभी अवेलेबल है। जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सुपरवाइजर, क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायिका, इनके पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है CN072023 करके। यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके डिटेल्स में वापस से बता देता हूँ। ये वैकेंसी में बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, UP के सामने आपको लिस्ट दे रखी है, पूरी डिटेल्स दे रखी है कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। जो वैकेंसीज है वो सभी स्टेट्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ ये वैकेंसीज टोटल मिला के मतलब बंपर वैकेंसी है, जहाँ पे नीचे डिटेल में बता रखा है कार्यकर्ता की जो टोटल पोस्ट है वो 18,681 है, 15,280 हेल्पर की है, पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर की 8,428 है, 3,285 परियोजना अधिकारी की, वहीं OPD की 1,208 वैकेंसीज अवेलेबल है आंगनवाड़ी यानी कि ICDS ऑफिशियल रिक्रूटमेंट में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 5वीं क्लास वाले अप्लाई कर सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, हेल्पर के लिए 10th क्लास वाले, वहीं पर्यवेक्षक के लिए 12th वाले, और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है आप OPD के लिए एलिजिबल हो, और साथ ही साथ सभी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो। ऐसे ही अगर 12th अगर आपने कर रखी है तो आप ऊपर की तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, 10th वाले ऊपर की दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू खाली OPD वाले का होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिलेक्टेड पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन है। साथ ही साथ सैलरी आप देख सकते हो 18,000, 22,000, 26,000, 35,000, तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे इसमें मिलती है आपको। TAD अलाउंसेंस अलग से आपको मिलता है। साथ ही साथ 18 से 40 साल अगर आपकी है एज तो आप आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जिसका कि नीचे लिंक दे रखा है। साथ ही साथ आपके 250-150 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो डिटेल्स है वहाँ पे भी आपको जाके चेक करोगे तो मिल जाएगी। जो तिथि है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरिट सूची आपकी जो पहले निकलने वाली थी वो वापस से चेंज कर दी गई है। अभी यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर यहाँ पे इसमें डेट रखी गई है, और ये जो डेट्स है यहाँ पे इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 18 अगस्त कर दी गई है। तो ध्यान रखना 18 अगस्त 2023 से आप यहाँ पे मतलब यही लास्ट डेट है 18-2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक इसको पोस्टपोन एक तरीके से कर दिया गया है, यानी कि मेरिट लिस्ट अब आपकी अक्टूबर में ये निर्धारित की जाएगी। धन्यवाद।